फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्टिविटी, कर रहे हैं हम, जैसे हम सुबह उठते हैं उसके बाद क्या क्या हम करते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको मेरे साथ साथ करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, मतलब कुछ स्पेलिंग दी हुई है जिनको आपको इन सेंटेंसेस में जो वर्ड पे लिखे हुए हैं इनमें फील करके इनको कंप्लीट करना है कि कौन सी स्पेलिंग कौन से सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग आप देख रहे हो कौन कौन सी लिखी हुई है, ब्रश, ड्राई, वेकअप, सन, क्लॉथ्स, बाथ, ब्रेकफास्ट एंड कॉम। तो ये कुछ स्पेलिंग आपको इस बॉक्स में दी हुई है जिन्हें आपको किसमें फील करनी है, यहाँ पे दिए हुए सेंटेंसेस में। जैसे फर्स्ट आप रीड कर रहे हो, तो फर्स्ट आप देख रहे हो आई ब्लैंक व्हेन द ब्लैंक शाइन, मींस जब आप उठते हो। कब उठते हो आप? जब सूरज निकलता है, तो उठने को क्या बोलोगे यहाँ पे, वेकअप। अब आप यहाँ पे फाइंड कीजिए वेकअप की स्पेलिंग कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रश, ड्राई, वेकअप, दिख गई ना आपको स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ डब्ल्यू ए के ई वेकअप यू पी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डब्ल्यू ए के ई यू पी आई वेकअप। मैं कब उठता हूँ, जब द सन शाइन, जब सूरज निकलता है। सो सन की स्पेलिंग आपको दिख रही है ना बेटा, यहाँ पे इसमें क्या है, एस यू एन, सन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एस यू एन। अब आप इस सेंटेंस को रीड कीजिए, आई वेकअप व्हेन द सन शाइन, कब उठते हैं, जब सूरज निकलते हैं, निकलता है। सेकेंड, फिर क्या करते हो आप लोग उठने के बाद, आई ब्लैंक माय टीथ। तो टीथ को अपन उठने के बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना। अब यहाँ पे आप ब्रश की स्पेलिंग देख सकते हो क्या है, बी आर यू एस एच, ब्रश। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ब्रश। तो आप देख सकते हो बी आर यू एस एच, अब ये कंप्लीट हो गया ना सेंटेंस। देखिए बेटा, आई ब्रश माई टीथ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आई वेकअप व्हेन द सनशाइन, उसके बाद क्या करते हो, आई ब्रश माई टीथ, और ब्रश करने के बाद बेटा क्या करते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक ए ब्लैंक विद सोप एंड वॉटर। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ब्रश करने के बाद आप क्या करते हो, नहाते हो, है ना, पानी से और सोप से नहाते हैं ना अपन। तो बाथ, बी ए टी एच, बाथ की स्पेलिंग आप यहाँ पे फाइंड कीजिए कौन सी है। आप देख सकते हो बाथ की स्पेलिंग कौन सी है, ये बी ए टी एच। तो मैम यहाँ पे क्या लिखेगी, बाथ, बी ए टी एच। अब देखिए, आफ्टर दैट आई टेक ए बाथ विद सोप एंड वॉटर, उसके बाद वो क्या करता है, पानी और सोप के साथ नहाता है। नेक्स्ट, देन आई ब्लैंक माई सेल्फ विद ए क्लीन टॉवल। नहाने के बाद आप गीले हो जाते हो, गीले होने के बाद अपन खुद को सुखाते हैं ना टॉवल से, साफ टॉवल से। तो सुखाने को क्या बोलते हैं अपन, ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। अब आप इसमें ड्राई की स्पेलिंग फाइंड कीजिए कौन सी है, दिख रही है आपको ड्राई की स्पेलिंग सेकंड नंबर पे दी हुई है ना, डी आर वाई, ड्राई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ड्राई। मैम लिख रही है डी आर वाई, ड्राई। अब आप इसको रीड कीजिए, देन आई ड्राई माई सेल्फ विद ए क्लीन टॉवल, उसके बाद वो क्या करता है, खुद को क्लीन टॉवल से साफ करता है। लास्ट बाद में देखिए आप, आई वियर क्लीन, उसके बाद वो क्या पहनता है, क्लीन साफ सुथरे कपड़े। अब क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स की स्पेलिंग क्या होगी बेटा, देखिए आप इसमें क्लॉथ्स की स्पेलिंग, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लॉथ्स। तो मैम को यहाँ पे क्या लिखना है, क्लॉथ्स। तो आप देखिए बेटा, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लॉथ्स। नेक्स्ट आप देख रहे हो, एंड देन आई ब्लैंक माई हेयर, कपड़े पहनने के बाद क्या करते हैं, देन आई ब्लैंक माई हेयर, तो बाल बनाता है किससे, कॉम, सी ओ एम बी, कॉम, कॉम यानी कंघा। अब कॉम की स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देख, सी ओ एम बी, कॉम। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग आएगी, कॉम, सी ओ एम बी, कॉम।
अब लास्ट लाइन आप देखिए यहाँ पे, आई हैव माई ब्लैंक बिफोर गोइंग टू स्कूल, उसके पहले वो क्या, स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, अपना ब्रेकफास्ट लेता है। तो उस ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग आप देख सकते हो ये रही, तो ये आपको क्या करना है यहाँ पे लिखनी है, बी आर ई ए के एफ ए एस टी। अब आप इसको पूरे को एक साथ रीड कीजिए, देखिए अपन ने सारे ये क्लू जो दिए हुए थे वो सारे जो भी जगह खाली थी उसमें हो गए ना फिल कर दिए, अब अपन इनको एक साथ रीड करते हैं। देखिए आप, आई वेक अप व्हेन द सन शाइन, आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई टेक ए बाथ विद सोप एंड वाटर, देन आई ड्राई मायसेल्फ विद ए क्लीन टॉवल, आई वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड देन आई कॉम माई हेयर, लास्ट में है आई हैव माई ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको घर पे भी करनी है, आप खुद फील करोगे जैसे ये बॉक्स में सारे क्लू लिखोगे और फिर एक एक रीड करते जाओगे, एक एक सेंटेंस को उसमें एक एक फील करते जाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।